नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अच्छायानं नमो लोय सवसाहुनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वंदे तु सौ सिद्धे त्वमचलमणो अंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित है पूरा। एक साल पूर्व जिस पंच कल्याण के महादर्शन हम लोगों ने किए थे उसकी प्रथम वर्षगांठ और पंच कल्याण महोत्सव की यादें ताजा करने का अवसर है ना। अनेक बार अपने को ऐसा विचार आता है कि लोक में तो जैसे अपन लोग अपने लौकिक प्रसंगों को याद कर करके पाप बढ़ाया करते हैं, अपने जन्म का प्रसंग है ना, कि कोई आजकल शादी का प्रसंग मनाते हैं, कोई किसका प्रसंग मनाते हैं, कोई किसका प्रसंग मनाते हैं, वो सारे प्रसंग तो पहली बात तो पाप के प्रसंग हैं और उनको याद कर करके हम लोग पाप बढ़ाया करते हैं। लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये वास्तव में भगवान परमात्मा के जो पामर से परमेश्वर ताकि उनको प्राप्ति हुई, क्योंकि जो भी परमेश्वर जो भी भगवान बने हैं वो भी पूर्व काल में तो आपके और हमारे जैसे ही है, यानी उनका भी अगर हम इतिहास देखें तो उनका इतिहास भी भटकने का इतिहास था। जिस तरह हम अभी संसार की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसी तरह भगवान बने हुए आत्मा भी पूर्व काल में अपने स्वभाव की विराधना करते हुए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने स्वभाव को पहचाना, पहचान करके उस स्वभाव की आराधना की और आराधना करके इस भव समुद्र का किनारा उन्होंने प्राप्त कर लिया। आज वे मोक्ष में विराजमान हैं और जो भी भव्य जीव होते हैं, जो भी आत्मार्थी जीव होते हैं, वो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके जैसी दशा हमें भी प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ पंच कल्याणकों के माध्यम से पंच कल्याणक हो जाएं तो पंच कल्याणकों की वार्षिक उत्सव के माध्यम से और भी अनेक अनेक प्रकार के माध्यम बना करके उन परमात्माओं का स्मरण किया करते हैं।
और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है अथवा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिस पथ पर चलकर वे आत्माएं आज परमात्म पद में विराजमान हैं, हम लोग भी आत्मा की विराधना का मार्ग छोड़कर आत्म स्वभाव की आराधना के मार्ग से 484,00,000 योनियों के चक्कर से बचे, जग में दोबारा जन्म ना लेना पड़े, संसार में किसी दूसरी माता को ना रुलाना पड़े, उसके लिए वास्तव में ये अवसर है। ये सब तो बहाने हैं कि ये वार्षिक उत्सव है, ये है, अपने यहां तो हर दिन वार्षिक उत्सव होना चाहिए अपने जीवन में, कि प्रतिदिन जिस आत्मा को हम भूले हैं और जिसके भूलने से ही आज तक अनेक कष्ट उठा रहे हैं। निगोद से अपनी यात्रा प्रारंभ हुई, प्रारंभ तो क्या, अनादि से यात्रा कर ही रहे हैं अपन लोग, लेकिन फिर भी उस परिभ्रमण की कथा का प्रारंभ निगोद से होता है। और निगोद जीव की वो दशा है कि जीव के पर्याय अपेक्षा से उससे विनाश की कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती। निगोद से ज्यादा विनाश यदि हो जाए पर्याय में तो फिर जीव को जड़ होना पड़े। लेकिन ये वो तत्व ज्ञान है जो ये कहता है कि निगोद में तेरी कैसी भी दुर्दशा हुई लेकिन तेरे स्वभाव का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहां तो उस स्वभाव की याद कराते हैं, माने निगोद के दुख बता करके भी ये बताते हैं कि ऐसे दुखों में से गुजर जाने के बाद भी, अनंत काल तक ऐसे दुख भोगने के बाद भी तेरा आत्म स्वभाव कैसा है, तेरा आत्म स्वभाव जैसा है वैसा ही है ना। सिद्धों से तू कम नहीं है और सिद्ध तुझसे अधिक नहीं है, ऐसे लेना है इसको। सिद्धों से अपनी बात आवे ना कि सिद्धों से तू कम नहीं है और सिद्ध तुझसे अधिक नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध दशा की उपलब्धि हुई वो क्या है, वो आत्म दशा का ही स्कैनिंग है। वो स्कैन करते हैं ना अपन किसी भी कॉपी को, है ना, तो आत्मा कैसा है, तो आत्मा की दशा है वो सिद्ध दशा, है ना। तो ऐसी दशा की भावना के साथ अपन सभी लोग इस महामहोत्सव के प्रथम गांठ वर्ष के अवसर पर अपन लोग जुड़े और बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, तत्वज्ञान की वर्षा चल रही है, उसमें अपन सभी लोग भीगें। इसी भावना से अभी अपन अपनी चर्चा परमागम समय सार जी के आधार पर ही शुरू करते हैं। समय सार जी परमागम नाम सुनते के साथ ही मुमुक्षुओं का हृदय रोमांचित हो जाता है कि वाह समय सार आता है कि नहीं आता, मजा आता है कि नहीं आता, समय सार नाम सुनते ही मजा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आना चाहिए, है ना। ये समय सार का मजा लाने के लिए ही ये सारे आयोजन हैं। देखो विचार करो, दो आज से 2000 साल पहले का दृश्य कि जब एक बालक जिनका जन्म हुआ और माता ने लोरियों में जिन्हें शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्मा की बात सुनाई लोरियों में, अभी की माताएं क्या सुनाती है वो माताएं विचार करना, ठीक है ना। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव की माता ने लोरियां सुनाई कि बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है और तुझे इस संसार सागर से पार होना है। माता ने लोरियां सुनाई और 11 साल की उम्र में कुंद कुंद आचार्य ने माता की लोरियों का फल दे दिया माता को और माता से बोले, माता जो लोरियां आपने मुझे सुनाई थी शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप भगवान आत्मा की और संसार के इस क्लेश से छूटने की जो बात आपने कही थी, बस अब उस संसार समुद्र को तिरने के लिए मैंने कमर कसी है। हल में है ना, है? और 11 वर्ष के वो बालक माता से भगवती जिनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने की बात करते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें।
सोचो जरा, 11 वर्ष का बालक, अपना 11 वर्ष का बालक अगर अपने से 4 घंटे मंदिर जाने की बात करे कि अभी हमारा बहुत बढ़िया शिविर चल रहा है और मुझे तो वहीं रहना है, तो मां कहती है तेरे परीक्षा के दिन पास कौन होगा? अगर वहां पास भी हो जाए तो क्या होना है? लेकिन विचार करना जरा कि अपन लोग कहां खड़े, कि अपने बच्चे पहली बात तो मार्ग में खुद ही नहीं लगे, और कदाचित सद्भाग्य से कोई मार्ग में लग जाए तो उन बालकों को अनुमोदना देने का भी हमारा मन होता है कि नहीं होता है? अरे शिविर तो होते रहेंगे, अभी कोचिंग का टाइम है, अभी उसका टाइम है, अभी उसका टाइम है। मैं तो कभी कभी बोलता हूं 5 साल का बच्चा और 15 साल का बच्चा उसके ऊपर। तो कुंद कुंद की माता जी ने वो सुनाया, 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने दीक्षा की आज्ञा मांगी और माता जी ने उन्हें दीक्षा की अनुमति दी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि माता की आंखों से आंसू नहीं बहे होंगे। कितनी भी निर्मोही माता हो, लेकिन जब इकलौता पुत्र घर छोड़ करके जीवन पर्यंत जंगल की राह लेता है तो आंसू नहीं आए हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो माता भी तत्वज्ञानी थी, उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हारा मार्ग है वही हमारा मार्ग है, हम तुम्हारे इस मार्ग की अनुमोदना करते हैं, जाओ बेटा प्रसन्नता से जाओ। और वे कुंद कुंद वन जंगल में जाकर के मुनि दीक्षा अंगीकार करके, गुरुदेव श्री जब इसका वर्णन करते हैं कि जब वे बालक कुंद कुंद छोटे से बालक हाथ में छोटा सा कमंडल छोटी सी पीछी लेकर आहार करने के लिए केवल जंगल से नगर की ओर आते होंगे, मुनिराज तो आहार के निमित्त ही नगर और गांवों में आते हैं, बाकी तो जंगलवासी होते हैं, तो जब आते होंगे और जब उन 11 वर्ष के बालक को 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग भी हे स्वामी नमोस्तु 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 कहकर के उनका पड़गाहन करते होंगे, वो दृश्य कैसा मनोरम दृश्य होगा जरा विचार करो। और ये चमत्कार किसका है कि 11 साल की उम्र के बालक के चरणों में 80 साल के बुजुर्ग भी नमस्कार कर रहे हैं। अरे बुजुर्ग तो क्या, अगर चक्रवर्ती भी हो तो भी वो 11 साल के मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके अपने को धन्य अनुभव करेगा। ये चमत्कार किसका है कि ये चमत्कार है उस चैतन्य तत्व का, उस चैतन्य की आराधना का चमत्कार है। मुनिराज जगत से नमस्कार कराने के लिए मुनिराज नहीं होते हैं, लेकिन सच्चे मुनिराजों के चरणों में जगत नमस्कार ना करे ऐसा भी कभी नहीं होता है। तो ऐसे अद्भुत महासंत के मंगलाचरण में जिनका तीसरा नाम भगवान कुंद कुंद और गौतम स्वामी के बाद मंगलाचरण में जिनको तीसरे नाम पर नमस्कार किया गया, वे कुंद कुंद भगवान कैसे होंगे? एक भजन भी आता है, केवा हसे कुंद कुंद मने कहो, ऐसा कोई भजन आता है गुजराती में। सच में अजब गजब की दशा। और जब उनको विकल्प आया तीर्थंकर का विरह भरत क्षेत्र में है, तीर्थंकर होने की योग्यता अभी के जीवों में नहीं है, केवल ज्ञान होने की योग्यता अभी के जीवों में नहीं है, और ऐसा जबरदस्त विकल्प आया कि उस विकल्प के साथ में जो कुदरत बंधी है भावना के साथ में है ना, कि उस एक विकल्प ने भगवान कुंद कुंद आचार्य देव को पंचम काल के जीव को चौथे काल में ले जा करके खड़ा कर दिया है ना। भरत क्षेत्र के महासंत विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के समोसण में पहुंच गए और चक्रवर्ती ने कहा ये कौन सी जाति का कीड़ा है, छोटे थे ना वहां के, तो 500 धनुष 2000 हाथ के आदमी है ना, और ये 7 हाथ के। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद हैं, और 8 दिन तक
वहां रहकर भगवान की वाणी सुनकर श्रुत केवलियों के साथ अनेक प्रकार की तत्व चर्चा करके भगवान कुंदकुंद आचार्य वापस भरत क्षेत्र में आए। यद्यपि कुंदकुंद आचार्य भरत क्षेत्र नहीं जाते तो भी उनकी कोई हानि अधिक नहीं थी, क्योंकि यहां भी छठे सातवां गुणस्थान में झूलते थे, वहां जाकर के भी छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए आए, लेकिन ज्ञान की विशेष निर्मलता को लेकर के आए। और लोक में होता है, जैसे अपने घर का कोई बुजुर्ग, अपने घर के परिवार का कोई भी सदस्य, बुजुर्ग हो, युवा हो, कोई भी हो, और वो अमेरिका की धरती पर जाकर के आ गए, क्योंकि आजकल तो अपने को अमेरिका ही विदेश क्षेत्र लगता है, मेरा बेटा अमेरिका में, ऐसा गर्व से बोलते हम लोग कि जैसे कोई विदेश क्षेत्र में रहता हो। तो वो अमेरिका से आवे तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक? कुछ नहीं पूछते। अरे हमारे लिए क्या लाए, अमेरिका से आए हो ना, हमारे लिए क्या लाए, सबसे पहले उसके बक्से पर हमारी नजर होती है। इसी तरह जब सोचो जरा कि सारे संघ को छोड़ करके मुनिराज जब विदेश क्षेत्र से वापस आए होंगे और विदेश क्षेत्र से आकर के अपने भरत क्षेत्र के शिष्यों से मिले होंगे, तब शिष्यों ने क्या पूछा होगा, नमोस्तु वगैरह करने के बाद क्या पूछा होगा कि प्रभु आप विदेश क्षेत्र में गए, हमारे लिए क्या लाए? कुंदकुंद आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए ये पंच परमागम की भेंट लाया, तुम्हारे लिए भव से मुक्ति का मार्ग लाया। भव से मुक्ति का मार्ग तो हमने यहां प्राप्त किया था, लेकिन उस पर सिमंदर परमात्मा की मोहर लगा करके लाया आया, और ये समय सार आदि परमागम की रचना हुई कि जिस परमागम के प्रारंभ में आचार्य कुंदकुंद देव ने हमारा साध्य पद हमको बता दिया। क्या साध्य पद हमारा? वंदितु सब सिद्धे, ये कहकर के इस मंगल ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। देखो साध्य एकमात्र सिद्ध दशा और ध्येय एकमात्र शुद्धात्मा, क्या कहा? ध्येय और साध्य में अंतर है। साध्य माने जिसे हमें प्राप्त करना है, जो हमें प्राप्त करने योग्य है उसका नाम है साध्य, और ध्येय किसका नाम है कि जिसके अवलंबन से उस साध्य दशा की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं ध्येय। देखो ध्येय तत्व हम स्वयं हैं, हमें किसी दूसरे का अवलंबन, साध्य दशा यानी मुक्त दशा यानी पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति के लिए हमें किसी दूसरे का अवलंबन नहीं लेना है। अरे ये जैन दर्शन इतना बेलिहाज दर्शन है, इसके भगवान ये कहते हैं कि तुझे भगवान होना है तो हमारा भी अवलंबन मत लेना। बोलो विश्व में कोई दूसरा ऐसा दर्शन ढूंढ करके लाओ कि जिसका प्रणेता ये कहता हो कि अगर तुम्हें मुक्ति पाना है, अगर तुम्हें अपना साध्य पद प्राप्त करना है तो एकमात्र अपने स्वभाव को ही ध्येय बनाना, अपने स्वभाव को ही लक्ष्य बनाना। अपने स्वभाव का लक्ष्य चूक कर यदि तुमने हमारी ओर भी नजरें की तो बहुत कठोर भाषा में आचार्य कुंदकुंद कहते हैं पर दबवा दो दुख गई, पर द्रव्य हैं हम तेरे लिए और हमारे आश्रय से भी तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति होगी माने क्या कि चैतन्य की गति नहीं होगी, मुक्ति के अलावा, सिद्ध दशा के अलावा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति के अलावा जितनी राग द्वेष की वृत्तियां उत्पन्न होती है और उन राग द्वेष की वृत्तियों के द्वारा संसार की देवगति का पद भी मिलता है तो भी भगवान जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि वो तेरी दुर्गति है, क्योंकि चैतन्य उसे नहीं कहते, आराधक उसे नहीं कहते कि स्वर्ग में जाकर के बैठ जाए। आराधना का फल स्वर्ग नहीं है,
आराधना की कमी का फल स्वर्ग है। आराधना में कमी रही है इस बात को बताता है स्वर्ग कि ये साधक होने पर भी इस साधक की साधना में कमी रही और उस कमी के फल में इसको ये स्वर्ग गति का भाव मिल गया। अरे नरक को तिर्यंश गति को तो सब दुर्गति कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वहां तो डंडे पड़ते हैं तो उसे वो तो सबको दुर्गति लगे ही लगे। जैन दर्शन तो ये कहता है कि अगर स्वर्ग का भाव भी मिले तो वो समझ लेना दुर्गति है, वो चैतन्य की गति नहीं है। चैतन्य की गति तो चैतन्य में अनंत काल तक रमणता होती रहे, अनंत काल तक उस अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता रहे और वो भी निरंतर नया नया। सिद्ध भगवान एक समय पुराने आनंद को भोगते नहीं है, हर समय वो नया आनंद भोगते हैं। पुराने आनंद को जानते हैं लेकिन भोगते नहीं है। भोगते किस समय के आनंद को है? कि भोगते वर्तमान समय के आनंद को है ना। ऐसा आनंद हम सबकी परिणति में भी प्रकट हो, ये भावना इन कार्यक्रमों के माध्यम से होनी चाहिए। लोक में नहीं होता, जो अपनी प्रिय वस्तु हो तो अपनी उस प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर अथवा उस प्रिय वस्तु के दर्शन होने पर भी अपने को कैसा उल्लास होता है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि देखो मुक्ति माने क्या, कि बंधन से छूटना। नास्ती से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बंधन से छूटने का नाम मुक्ति। और बंधन से छूटना भी कैसा कि दोबारा अनंत काल तक कभी बंधन में बंधने का बंधना नहीं है, ऐसा बंधन से छूटना। तो उसके लिए एक उदाहरण देते थे कि गाय का बछड़ा होता है ना, तो गाय का बछड़ा जब गाय घर पे आती है तो उस गाय के बछड़े को दूध पिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब उस गाय, मान लो 4 बजे का टाइम है और गाय के बछड़े को ये पता लगे कि अब 4 बजे मुझे इस बंधन से छोड़ा जाएगा थोड़ी देर के लिए ही सही, तो 3:30 बजे से फुदक्के भरना शुरू करता है। क्यों? काय के फुदक्के भरता है वो, छूटने के। आगे समझ में? तो वो क्या कह रहे हैं, इस जब वो उसको छोड़ने का, छोड़ने के पहले वो फुदक्के भरता है, उसको पता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ा जाएगा और वापस मुझे तो बांध दिया जाएगा, तब भी वो फुदक्के मारता है। तो आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अरे जीव, तुझे अनंत काल के बंधन से अनंत काल तक के लिए छोड़ने की बात ये वीतरागी संत करें और तुझे उल्लास नहीं आवे, क्या कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस बछड़े से भी गया बीता है। कि उस बछड़े को तो कुछ देर के लिए छोड़ा जाएगा, वापस बंधन में बंधना है। बोलो आज तक जितने सिद्धालय में सिद्ध गए, किसी सिद्ध ने आपसे आकर के ये कहा कि भैया गलती से मत चले जाना, बोरियत हो जाएगी, कोई बोलने वाला भी नहीं है? बोलो कहा किसी सिद्ध ने आज तक आकर के? कहा है? नहीं कहा ना। अपन लोग होते कि नहीं होते कि अरे भैया वहां, अरे नहीं नहीं मन ही नहीं लगा हमारा, मन ही नहीं लगा। सिद्धालय में ये शिकायत नहीं है ना। अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग बताने वाला परमागम, जिसमें पहली गाथा में आचार्य देव ने अपने को अपना साध्य निकाल करके बता दिया कि ये है तेरा साध्य, तुझे प्राप्त करने योग्य यदि कोई हो तो क्या प्राप्त करने योग्य है? कि एकमात्र सिद्ध पद प्राप्त करने योग्य है, कि जिस पद के बाद उस पद से तुझे कोई च्युत नहीं कर सके। पद कैसा चाहिए? आज पद मिले कल नीचे उतार दे कोई, ऐसा पद चाहिए इन नेताओं जैसा? कोई मतलब ही नहीं। आज पद है और कल अपद, हम तो उस पद के प्रत्याशी हैं कि जिस पद पर पहुंचने के बाद, जिस पद को उपलब्ध करने के बाद जगत के सारे पद अपद भाषित होते हैं।
है ना। ये बात बराबर है कि ज्ञानियों को सारे जगत के उच्च पद मिलते हैं, लेकिन उन ज्ञानियों से तो पूछो कि चक्रवर्ती का पद मिले तो ज्ञानी कहते हैं कि ये सब अपद है, ये विभाव का फल है, ये स्वभाव की आराधना का फल नहीं है, आराधना में कमी रही उसका फल है। मेरा पद तो ऐसा पद है कि मैं अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं, और मेरे अवलंबन से अगर कोई प्रकट होने वाला पद हो तो वो सादी अनंत काल का आनंद है जिसको सिद्ध दशा कहते हैं। ऐसे इस सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके, और वो भी कितने सिद्ध परमात्माओं को, अपन तो अभी कौन सा विधान कर रहे हैं, 24 तीर्थंकर विधान, समझ आ गया। लेकिन समय सार में भी कुंदकुंद आचार्य ने पहली गाथा में एक विधान किया, कौन सा विधान किया, अनंत सिद्ध परमेष्टि विधान किया, अनंत सिद्ध परमेष्टि विधान। अभी पविया जी साहब होते तो बोलते कि चलो मैं अनंत सिद्ध परमेष्टि विधान ही लिखता हूं अब समझ में आया कि नहीं, अनंत सिद्ध परमेष्टि विधान का प्रारंभ किया और कहा मैं अपनी आत्मा में अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूं, है ना, और जगत में जो भी हमारे सब श्रोता हैं सबकी आत्मा में अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूं। इसका मतलब क्या, अरे इसका मतलब ये, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने हम लोगों को अनंत सिद्धों की स्थापना करने योग्य समझा। बोलो हमारी योग्यता कैसी देखी उन्होंने कि हमें अनंत सिद्ध परमात्माओं की स्थापना के योग्य समझा। हम अपने को चाहे दीन माने, चाहे हीन माने, चाहे पामर माने, चाहे रंक माने, चाहे विकारी माने, चाहे रागी द्वेषी माने, चाहे कसाई माने, लेकिन भगवान तो हमको भगवान मानते हैं, भगवान तो हमको भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये कुछ समय सार है, ये कुंद कुंद आचार्य की वाणी थोड़ी है, ये तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। एक भी ज्ञानी का वचन वो मात्र उस ज्ञानी का वचन नहीं है, वो अनंत परमात्माओं की वाणी है। तो उन्होंने अनंत सिद्धों की स्थापना अपने में की, तो उन्होंने तो अपने में अनंत सिद्धों की स्थापना कर दी, लेकिन हम कैसे हैं, अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं हम इस योग्य नहीं है अभी, हम इस योग्य नहीं है अभी, हम इस योग्य नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो पामर हैं। यानी हमारी शुरुआत ही यहां से होती है। अब मुमुक्षु हो गए, थोड़ी भाषा बदल ली अपन ने, भाषा बदली, भाव नहीं बदला, भाषा क्या बदली, अरे पर्याय में पामरता है ना। पर्याय में पामरता है कि नहीं, ना है ना, पर्याय में है ना, तुम्हारे में तो नहीं है ना। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये पर्याय तो अगले समय मिटने वाली है, ये पामरता की पर्याय, भले ही हम प्रभुता का स्वीकार ना करें तो अगले समय फिर पामरता की पर्याय प्रकट हो, लेकिन पामरता के समय हमारी प्रभुता कहां चली गई ये बताओ जरा। अगर प्रभुता कहीं चली गई होती और सचमुच में हम पामर हो गए होते तो पामर को पामर मानना पामरता नहीं होती। हैं प्रभु और अपने को मानते हैं पामर, यही पामरता है। प्रभु हैं, अभी नए वे मत लगाना, किस नए से, वो दिन में चर्चा करेंगे उसे, कि अभी हम प्रभु हैं, ये अंदर से एक बार हुंकार उठनी चाहिए। ये समय सार परमागम हमारी हुंकार बदलने का ग्रंथ है, कि एक बार अंदर से हुंकार लाओ कि मैं प्रभु हूं। जैसा वो राग देश का क्या होगा, फिर वो कसायों का क्या होगा, हमने कहा ना, आचार्य कहते भूल जाओ, जब हम तुम्हारी विकारी वृत्तियों को भूलकर तुम्हें प्रभु देख रहे हैं तो तुम अपनी विकारी वृत्तियों को भूलकर अपने आप को एक बार स्वभाव से प्रभु क्यों नहीं देखते। कि फिर विकारी वृत्तियों का क्या होगा, कि पहले एक बार स्वभाव से प्रभु देखो और बाद में उसका विचार करेंगे, और जहां स्वभाव से मैं प्रभु हूं ऐसा स्वीकार किया तो बाद में वहां कहां गए विकार की वृत्तियां,
कि जरा देखूं तो वो विकार की वृत्तियां गई कहां। अरे भाई, अपनी प्रभुता का अस्वीकार ही विकार की उत्पत्ति थी। विकार क्या था? कि अपनी प्रभुता की अस्वीकृति का नाम विकृति था। जहां अपनी प्रभुता की स्वीकृति आई, मैं तो स्वभाव से ही प्रभु हूं, आठ कर्मों का अभाव होगा, अल्पज्ञता का अभाव होगा, विकृति का अभाव होगा, परणति में पामरता का अभाव होकर के प्रभुता प्रकट होगी कि होगी वाली प्रभुता की बात हम नहीं कर रहे। क्या कहा? होने वाली प्रभुता की बात हम नहीं कर रहे, हम तो हैं वाली प्रभुता की बात कर रहे हैं। क्या कहा साहब? कौन सी प्रभुता? अरे है वाली प्रभुता की स्वीकृति आई तो होने वाली प्रभुता भी हो जाएगी। होने वाली प्रभुता के पीछे मत पड़ और है उस प्रभुता का स्वीकार कर। ये बात बताना है बस। मूल देखो, सारे द्वादशांग का सार इतना है। कितना? अपने आत्म स्वभाव को पहचानना, और कुछ नहीं है। 15 नंबर की गाथा में, समय सार में आचार्य कुंद देव ने लिखा कि जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत असंयुक्त आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, पश्यति जिन शासनम सर्वम। बोलो, आया कि नहीं आया समय सार में? कि वो सारे जिन शासन को देखता है। सारा जिन शासन क्या है? आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली वीतराग परिणति का नाम जिन शासन है। जिन शासन न रहता है झंडों में, न रहता है डंडों में। जिन शासन कहां रहता है? कि जिन शासन आत्मा की वीतराग परिणति में रहता है, उसका नाम जिन शासन है। समझ आया कि नहीं? और वो जिन शासन अगर प्रकट हो तो मंदिर में भी जिन शासन है, और वो जिन शासन प्रकट नहीं हो तो तुम समोसण में भी चले जाना, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो बहुत दौड़ दो चार वाला दर्शन है भैया, है ना। देखो, यहां किसी को खुश नहीं करना, यहां अपने को खुश कर लो। अपनी आत्मा की प्रसन्नता वो धर्म, और अपनी आत्मा की अप्रसन्नता वो अधर्म। माने हम अपने पर प्रसन्न हो गए, हो गया काम, बस इतना ही तो मार्ग है। कि ज्यादा चक्कर थोड़ी है कुछ, है ना। बहुत गजब का मार्ग है ये। समय सार जो परमागम है ना, हाथ में लेने के साथ ही लगना चाहिए कि अब मुक्ति दूर नहीं है। वास्तव में देखो, गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला था, एक ही वाक्य क्या बोले थे? जिस सेठ ने समय सार ला करके दिया, उस सेठ को बोले, सेठ यह अशरीरी होने का शास्त्र है, है ना। सारा श्वेतांबर आगम पढ़ चुके थे उस समय सारा, लेकिन श्वेतांबर आगम के किसी एक ग्रंथ के लिए कभी यह उद्गार नहीं निकला कि यह अशरीरी होने का शास्त्र है। ये उद्गार समय सार के प्रति निकला, और 19 बार भरी सभाओं में अपने को उनकी व्याख्याएं सुनने को मिली है, है ना। बहुत से तो उपलब्ध भी आज, है ना। और स्वयं कितनी बार, सैकड़ों बार एक तीर्थंकर पत्रिका निकलती है इंदौर से, उसका एक समय सार विशेषांक निकला था, है ना। उस समय हरि भाई ने एक लेख लिखा था कि गुरुदेव के साथ बैठकर अब तक हम 100 बार समय सार शास्त्र की आद्योपांत स्वाध्याय कर चुके। प्रवचन तो अलग होते थे, 100 बार। आज अपन जितने लोग मुमुक्षु हैं, है ना, गुरुदेव की जय जयकार बोलने वाले, कुंद आचार्य की जय जयकार बोलने वाले, अपन लोग अपने हृदय पे हाथ धर के सोचें कि हम लोगों ने आद्योपांत समय सार भी कितनी बार पढ़ा है। क्यों? हमारे जीवन में स्वाध्याय की प्रमुखता नहीं रहेगी और अन्य अन्य कार्यों की प्रमुखता हो जाएगी तो हमारा पतन निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। बाबूजी एक बात कहते थे, युगल जी साहब,
कि मुमुक्षु समाज में स्वाध्याय अगर कमजोर हुई तो कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि हम जो, क्योंकि देखो ये तत्व निर्णय का मार्ग है, और तत्व निर्णय के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्वाभ्यास स्वाध्याय करना पड़ेगा, है ना। आज जो ये अपना वार्षिक उत्सव है, इस वार्षिक उत्सव में एक संकल्प अपने को यहां से लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए कि अगले साल का वार्षिक उत्सव मनाने के पहले हमारा समय सार का स्वाध्याय पूरा होगा। और मैं तो इतना भी बोलता हूं कई कई जगह, तो हालांकि अतिरेक लगेगा ये, लेकिन वास्तव में पद उन्हीं लोगों को देना चाहिए अगले साल जो समय सार का स्वाध्याय कर ले। क्योंकि आपको जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे हमें इन परमात्मा की महिमा नहीं आ सकती भाई साहब। क्या सच बोलता हूं कि ये हमारी, ये हमारा नित्य, आप इंद्र बनेंगे, हाँ समय सार का स्वाध्याय किया नहीं, बाकी है कि अगले साल आना, अगले साल समय सार का स्वाध्याय पूरा होगा ना, तब अगले साल हम आपको बनाएंगे। हैं भाई, ये सब प्रेरणा की बातें हैं। अपन लोग एक जुट होकर के स्वाध्याय के मार्ग में लगे, क्योंकि स्वाध्याय से ही अपने को सारी दिशा मिलेगी, है कि नहीं, है ना। कुंदकुंद आचार्य ने शास्त्र लिखा और अपने को आज ये शास्त्र मिल गया। आप जरा कल्पना करो कैसे लिखे गए शास्त्र। अरे साहब हम तो हमारे घर में तो रखे 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 क्या करेंगे, वो रखे रखे हमको ज्ञान दे देंगे, कैसे ज्ञान देंगे, खोल के पढ़ो। बहुत सी जगह अगर घर में जिनवाणी नहीं हो तो घर में जिनवाणी रखो। अरे साहब अभी इतने इतने मकान इतने हो गए, कंजेस्टेड हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा सब चीजों के लिए हमारे घर में व्यवस्था है, जिनवाणी के लिए कक्ष बनाना चाहिए। सुबह बैठ करके सामने शाम जब भी समय मिले सारे परिवार वाले एक साथ बैठे घर में, नियम बने मुमुक्षुओं के घर में, हम आधे घंटे सामूहिक रूप से स्वाध्याय करेंगे। उसमें तीन साल से अधिक का बच्चा भी हो और 80 साल का बुजुर्ग भी हो, हम सब मिलकर के बैठेंगे। और मैं सच कह रहा हूं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे परिवारों में वो वात्सल्य की गंगा बहेगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सब मिलकर के स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद के संसार के सारे काम उसके बाद, और फिर उस इस काम को अगर आप करते हैं तो अगले साल के वार्षिक उत्सव तक आप इसके चमत्कार बताना, क्या क्या चमत्कार आते हैं। अरे हम लौकिक काम में सब एक साथ, पाप के काम में सब एक साथ, व्यापार धंधे में सब एक साथ, खाने पीने में सब एक साथ, है ना, और उसकी सब अनुमोदना करें, हाँ तूने बहुत अच्छा व्यापार बढ़ाया, एक दुकान से दो दुकानें हो गई तो वाह वाह क्या कहने। उस समय श्रीमद जी का वो वचन याद करो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार बीबर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। समझे भैया, ये काम बहुत आवश्यक है। ये जो जिनवाणी अपने को मिली है ना, कल्पना करो जरा कि ताड़ पत्र पर गोद गोद करके आचार्य भगवंतों ने अक्षर लिखे, और किसी भाग्यवान श्रावक ने उन ताड़ पत्रों को संग्रह करके रख दिया। क्या संग्रह करके रख दिया, और आज अपने को ये शास्त्र मिले। कैसे कैसे जिनवाणी लिखी गई, आज के जैसा जमाना नहीं था कि कंप्यूटर में फटाफट टाइप कर दिया, है ना, और डिजिटल में सारा अपने को साहित्य मिल गया, वो जमाना नहीं था। बहुत महिमा, बहुत कीमत है इस जिनवाणी की, अमूल्य है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे अमूल्य तत्व को बताने में निमित्त है। बोलो जरा, समय सार नहीं होता तो कल्पना करो क्या होता। बोलो भैया, जब समय सार है और समय सार पर हम लोग चर्चा करते हैं, समय सार की चर्चा वार्ता सुनते हैं, तब भी ये स्थितियां अपन देखते हैं, तो अगर ये समय सार नहीं होता
तो कहां खड़े होते अपन लोग, जरा सोचो जरा। अरे जिस अज्ञान के अंधकार में से अपने को निकालने में ये समय सार निमित्त है। कौन बताता मिथ्यात्व का महापाप है दुनिया में? कोई दर्शन है दुनिया में कोई दर्शन कि जो मिथ्यात्व के पाप की चर्चा भी करता हो कि मिथ्यात्व ये पाप है, इसको कोई दर्शन बताता? ये समय सार बताता है कि तू अपने को अपूर्ण मानता है, तू अपने को अधूरा मानता है, तू अपने को सिद्धों से कम मानता है, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांच पापों को सारी दुनिया पाप मानती है। ये पाप नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन पापों का भी एक बाप है और वो मिथ्यातमी महापाप है, सब पापों का बाप है। वो आपके भोपाल की ही रचना है, पवैया जी साहब की है कि नहीं, है कि नहीं? मिथ्यातमी महापाप। महापाप का मतलब क्या कि जिस पाप के गए बिना दूसरा कोई पाप जाता ही नहीं है, चाहे हम कितने अनुव्रत और महाव्रत पालन कर लें। अरे महाव्रत धारित द्रव्यलिंगी को भी मिथ्यात्व के सद्भाव में असंयमी समय दृष्टि से हीन कहा, उसके पीछे कारण क्या है? और पहले कौन सा पाप छूटता है कि पहले मिथ्यात्व का पाप छूटता है, उसके बाद सब पापों का नंबर आता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी बहुत छान करके पानी पीवे, अष्ट बिल्कुल गर्म किया हुआ और उबला हुआ सब तरह का छान करके पानी पीवे, लेकिन मदिरा पान करता हो आठ दिन में एक बार, भले आठ दिन में एक बार करता हो मदिरा पान करता हो, जैनी के कितने लक्षण है उसमें? पानी छान करके पीने वाला लक्षण तो लागू हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो भोपाल से। मैं सब जगह पूछ रहा हूं आजकल, ये प्रश्न कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। बोलो होगा कि नहीं होगा? एक लक्षण मानने के लिए तैयार हो गए नहीं आप? अच्छा चलो, सात दिन तक उसने मदिरा नहीं की, नहीं पी, उस दिन तो लक्षण मान लोगे ना कि भैया छना हुआ पानी पीना बहुत बढ़िया बात है, पीना ही चाहिए, लेकिन छने हुए पानी पीने के पहले भी मिथ्यात्व रूप मदिरा का पान वो उसके पहले छूटना चाहिए। अगर मदिरा का पान नहीं छूटा तो तेरे छने हुए पानी पीने को मात्र ढोंग कहा जाएगा। क्या ढोंग करता है वहां जाकर के? तो वो पीता है नहीं, बोलेंगे ऐसा अपन घने साहब के जी जानते हम छान करके पीता है, हमें वहां देखा था अभी आठ दिन पहले, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसी तरह जिनवाणी कहती है कि अगर तेरा मिथ्यात्व का पाप नहीं गया तो तेरे जीवन में से एक भी पाप का अभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप की जड़ मिथ्यात्व में रहा करती है भैया, है ना? ये समयसार परमागम, इसकी टीका, गुरुदेव श्री का प्रतिपादन एकमात्र मिथ्यात्व के अभाव के लक्ष्य पूर्वक हुआ है। सबसे पहले, पहले में पहले मिथ्यात्व का अभाव करो कि साहब इसके लिए हम क्या करें कि पहले में पहले आत्मा को जाने। नहीं कहा 17-18 नंबर की गाथा? कहा कि नहीं कहा? बोलो क्या कहा आचार्य भगवान ने? क्या कहा? क्या करें? हमारा प्रश्न ये तो होता है ना, मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए क्या करें, धर्म करने के लिए क्या करें? सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले में पहले आत्मा को जानो। कि और कुछ तो और कुछ पे विराम लगा दो, पहले में पहले आत्मा को जानो। अरे आत्मा को जाना तो सारा मार्ग तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है, और आत्मा को नहीं जाना तो किताबें देख देख करके मार्ग नहीं बनता है। जिनवाणी से मार्ग नहीं बनता है, आत्मा के आश्रय से मार्ग प्राप्त किया तो उसके मुख से जो वाणी निकले वो जिनवाणी होती है। हेल में है कि नहीं? एक वाणी किसकी है? एक ज्ञानियों की वाणी तो है कि जिन्होंने आत्मा की आराधना की उनके मुख से जो वाणी निकली वो जिनवाणी है ना। ये सम्य ज्ञान, सम्य ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी है, ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। काय के किसमें से निकली? का आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, अनुभूति 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 अनुभूति, बस और कुछ नहीं है ना।
ऐसा मार्ग है, अद्भुत मार्ग है, रहस्यमय मार्ग है, समझने का मार्ग है, यही सुलटने का मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है ना। सबसे पहले आत्मा को जानो, क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने से मिथ्यात्व के पाप का अंश भी रहने वाला नहीं है, और आत्मा को जाने बिना कितना ही कुछ भी कर लेना मिथ्यात्व का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। अभी अपने को क्या करना है ये अपने को स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। कोई आचार्य, कोई ज्ञानी अपने सामने मार्ग रख सकते हैं, मार्ग पर चला नहीं सकते, है ना। चला सकते, चला सकते होते तो आदिनाथ जी अपनी मारी जी को चलाते सबसे पहले, अपनी तो प्राण देख लो, है ना। अच्छा ये नहीं, हर अनुयोग में आप देखो, प्रथमान योग पढ़ लो, करणान योग पढ़ लो, चरणान योग पढ़ लो, द्रव्यान योग पढ़ लो, सबका सार आत्मा। क्यों भैया? क्योंकि चारों अनियोगों का तात्पर्य क्या है जरा बताना। चारों अनियोगों का तात्पर्य अगर वीतरागता है तो वीतरागता किसके अवलंबन से पैदा होगी? आत्मा के अवलंबन से। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों अनियोग किसके अवलंबन की बात करते हैं भैया? आत्मा के अवलंबन की बात करते हैं। इसलिए कुछ भी करके इस मनुष्य जीवन में एकमात्र आत्मा की आराधना ही हमारा कर्तव्य है, ये मान करके हम सभी आत्मा की आराधना के इस मार्ग में कटिबद्ध हों। प्रवचन सार की उपभाषा याद करो आचार्य देव की, मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। समझा कि नहीं है? तो अपन भी कमर कस के तैयार हो जाएं, और अगर हम कमर कस के तैयार हो गए तो इस मिथ्यात्व में इतना दम नहीं है कि ये अपने को पराजित कर सके, ये अपने ध्येय को, अपने मार्ग को शिथिल कर सके। कोई दम नहीं है। दम कब तक है? कि जब तक हम सोए हुए हैं तो मिथ्यात्व में दम है, और अगर हम जागृत हो गए तो सबसे पहले रफू चक्कर होने वाला ये मिथ्यात्व ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह अभी की चर्चा यहीं को विराम लेती है, समय काफी हो गया है। अभी हम और आप सबने